दोस्तों कल से आप लोगों की टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। आप लोगों को टेस्ट पेपर कैसे देना है, पहला टेस्ट पेपर आपका ये है, मैंने आप लोगों को सिलेबस सेंड कर दिया था। तो आप लोग इसे कैसे ज्वाइन करना है आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग कन्फ्यूज हैं, पीडीएफ मिलेगी, ऑनलाइन टेस्ट होगा, क्यूज होगा, क्या होगा। तो आप लोगों को मैं अभी डेमो दिखाऊंगा किस तरह से आपको टेस्ट देना है, ध्यान से देखिएगा। और बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि हमें पीडीएफ मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो पीडीएफ कैसे आप लोग स्वयं से डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा, और बहुत महत्वपूर्ण बात है, जो लोग टेस्ट देंगे वो लोग इस वीडियो को जरूर देखें। तो देखिए आप लोग थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, इसमें सारी जानकारी दे रखी है। ये देखिए यहाँ पर इतने कम प्राइस में हम 199 रुपये में आप लोगों के लिए 100 टेस्ट पेपर लेकर के आए हैं। मतलब हद से ज्यादा टेस्ट पेपर आप लोग यहाँ पर होने वाले हैं। डेली टेस्ट चला करेगा, 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिएगा, 10,000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप लोगों की हो जाएगी आपके एग्जाम तक। और यहाँ पर 4 महीने का ये प्रोग्राम होने वाला है। टॉपिक वाइज आप लोगों के लिए टेस्ट इसमें रखे गए हैं। और आप लोग अगर हमारे, देखिए अभी 2 लोग टाइपिंग कर रहे हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि 4 लोग टाइपिंग, 2 लोगों को और हायर कर लें, तो जिससे टेस्ट पेपर जल्दी से जल्दी टाइप हो जाए। हो सकता है हम लोग एक दिन में 2 टेस्ट पेपर चलाने लगे, एक दूसरा ग्रुप बना देंगे। तो जो लोग एक दिन में 2 टेस्ट पेपर देना चाहेंगे तो वो लोग फ्री ऑफ कॉस्ट, उनके लिए मतलब जो इस ग्रुप में ज्वाइन करेगा तो दोबारा पे नहीं करना पड़ेगा, हम उसे फ्री ऑफ कॉस्ट दूसरे ग्रुप में ऐड कर देंगे, तो वहां पर भी टेस्ट दे सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि पीसीएस का पेपर इस बार जल्दी होने वाला है, संभावना है, तो पेपर से पहले सारी टेस्ट सीरीज हम कोशिश करेंगे। अभी कमिटमेंट नहीं करते, क्योंकि अभी हमारा 9,000 रुपये टाइपिंग का मंथली जा रहा है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि 18,000 रुपये मंथली हमारा जाया करेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें ज्वाइन होइएगा, आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है। ओके, देखिए 3 दिन सिर्फ इस टेस्ट सीरीज को लॉन्च किए हुए हुए हैं, अभी सिर्फ 90 लोग होने जा रहे हैं, आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए नीचे आप लोग आएंगे तो इसका शेड्यूल मिल जाएगा, तो देखिए इस तरह से आप लोग शेड्यूल ओपन कर सकते हैं। अगर मैं ये वीडियो अगर YouTube पे डालता हूँ तो इसका लिंक मैं दे दूंगा, तो आप लोग भी शेड्यूल डाउनलोड कर सकते हैं। इसी शेड्यूल में देखिए यहाँ पर ज्वाइनिंग लिंक यानी कि एनरोल नाउ का लिंक दिया रखा है, क्लिक हेयर टू ज्वाइन पर क्लिक करके आप लोग ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं 199 रुपये में सिर्फ। ओके, और आप इस टेस्ट सीरीज को अगर 25 दिसंबर के बाद में ज्वाइन करते हैं तो भी आप लोग सारे टेस्ट पेपर जो पहले के हैं वो दे सकते हैं, क्योंकि वो ग्रुप से डिलीट नहीं किए जाएंगे। ओके, तो आप लोगों को परेशान एकदम नहीं होना है। और जो लोग चाहते हैं कि नहीं हम एक टेस्ट दिया करें, और जो लोग बाद में ज्वाइन करेंगे तो ये जो टेस्ट सीरीज है ये रोटेशन में चलेगी, और आप लोग इसे अनलिमिटेड टाइम दे सकते हैं। यानी कि रोटेशन का मतलब क्या है, जैसे आज ये टेस्ट सीरीज फिनिश होती है, यानी कि 100 दिन कंप्लीट हो गए, तो 101वां दिन जो होगा उस दिन टेस्ट नंबर 1 फिर से स्टार्ट हो जाएगा, तो 1, 2, 3 फिर से स्टार्ट हो जाएंगे। तो जो लोग बाद में ज्वाइन करेंगे तो उन लोगों के लिए भी घाटा नहीं है। ओके, तो अभी 200 मेंबर के लिए सिर्फ और सिर्फ 199 रुपये में तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इस तरह से देखिए ये शेड्यूल दिया रखा है, आप लोग शेड्यूल के अकॉर्डिंग डेली रिवाइज करते रहिएगा या फिर पढ़ते रहिएगा। और आप लोगों को यहाँ पर कोड दिखा हुआ दिखेगा, कब टेस्ट होगा, संडे को सिर्फ छुट्टी रहेगी। ओके, और डेली आप लोगों का टेस्ट हुआ करेगा, पूरा पूरे शेड्यूल यहाँ पर इस तरह से दिया रखा है। तो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ किस तरह से आप लोगों को टेस्ट देना है। देखिए हो सकता है मैं डेली ये शेड्यूल ना दिया करूँ, तो आप लोग ये जो मतलब डेली स्क्रीन शॉट नहीं सेंड किया करूँ, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि कल आप लोगों का किसका टेस्ट होने वाला है। ओके, क्योंकि हमें काफी काम रहते हैं, तो कभी कभार हो सकता है हम शेड्यूल ये बार बार डेली वाला ना शेयर कर पाए इस तरह से। ओके, क्योंकि फर्स्ट दिन था हमने सेंड कर दिया था। मेंस की आंसर राइटिंग में देखिए स्टार्ट हो गई, आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। सिर्फ 999 रुपीज में 37 टेस्ट पेपर, साथ में यूपी स्पेशल के 5वां और 6वां जो टेस्ट पेपर जीएस का एड हुआ है वो भी हम लोग यहाँ पर दे रहे हैं। यहाँ पर बहुत कुछ मिल रहा है, आप लोगों को अधिक जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। चलिए मैं आप लोगों को डेमो दिखा देता हूँ कि किस तरह से टेस्ट चल रहे हैं। यहाँ से आप लोगों की वीडियो प्रारंभ होती है। देखिए इस तरह से आप लोगों के लिए टेस्ट का डेली आप लोगों को मैसेज मिला करेगा। तो देखिए आप लोगों को यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि टेस्ट 1 और GP01 इसका कोड है, नीचे इसका लिंक है। इसी लिंक पर क्लिक आप जब करेंगे, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तभी ओपन हो जाएगा। लेकिन अभी एक टेस्ट पेपर स्टार्ट नहीं हुआ, क्योंकि ये शेड्यूल है मंडे, यानी कि मंडे को ये शेड्यूल है 25 दिसंबर 2023 10 बजे, यानी कि 10 जैसे ही बजेंगे टेस्ट पेपर स्टार्ट हो जाएगा। 10 बजे से पहले इस पर जो भी क्लिक करेगा तो वो टेस्ट नहीं दे सकता है, ठीक है। फिर 2 घंटे का टेस्ट चलेगा और 2 घंटे से पहले ही आपको सबमिट कर देने। नीचे मैंने देखिए यहाँ पर कुछ नोट लिखे, आप लोग इनको पढ़ सकते हैं। जैसे देखिए सबसे मैंने नोट में पहला लिखा है कि सबसे पहले ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करें या फिर कॉपी करें। जैसे आप लोग लिंक पर क्लिक करें
तो इस तरह से भी ओपन हो जाएगा, या फिर आप लोग क्या कर सकते हैं, ओपन ना हो तो इसको इस तरह से होल्ड करके रखेंगे 3 सेकंड के लिए, तो नीचे कॉपी का या फिर कहीं पर कॉपी का ऑप्शन आ जाएगा। किसी भी तरह से कॉपी करने के बाद आपको अपने किसी भी ब्राउजर में जाना है, जैसे मैं गूगल में यानी कि क्रोम में चला जाता हूँ। क्रोम में जाने के बाद में इसको इस तरह से पेस्ट कर देना है, पेस्ट करने के बाद इस तरह से ओपन कर लेना, कैसे भी आप लोग ओपन कर सकते हैं, सेम प्रोसेस है। ओके, तो चलिए ये तो अभी ओपन होगा नहीं, नीचे और भी चीज़ें इसमें देखिए मैंने लिखा है कि सबमिट करना ना भूलें, कोड भी बता दिया आप लोगों का, ग्रुप कोड है GD25 आप लोगों का कोड देखने को मिलेगा। तो डेमो के लिए मैंने एक और टेस्ट पेपर का लिंक यहाँ पर रखा है, मैं उसको ओपन करके दिखा देता हूँ किस तरह से PDF डाउनलोड करना है, क्या करना है। तो देखिए इस तरह से कुछ ए जो फॉर्म है आपका ओपन होगा। अगर जीमेल लॉगिन नहीं है तो जीमेल लॉगिन जरूर करें, क्योंकि जीमेल पर आप लोगों का रिजल्ट शेयर किया जाएगा। ओके, तो जीमेल लॉगिन करना नेसेसरी इसी वजह से, क्योंकि सारी चीज़ें वहां पर आप लोगों को मिला करेंगी। अब देखिए सबसे पहले यहां पर आप लोगों को, और आप लोग जीमेल आईडी चेंज करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर ये स्विच अकाउंट का ऑप्शन दिया रखा होता है, इस पर क्लिक करके आप लोग स्विच भी कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपना नाम डालना है, जैसे मैं देखिए यहाँ पर जल्दी से अपना नाम डाल देता हूँ। फिर आप लोगों के लिए ग्रुप कोड डालना है, मैंने अभी आप लोग ग्रुप कोड बताया, आपको ग्रुप कोड कौन सा है, GD25 आप लोगों का, क्योंकि कई सारे ग्रुप चल रहे हैं तो ग्रुपों के नाम मैंने अलग अलग रखे हैं। ओके, इसी तरह से आप लोग देख सकते हैं आपको जो भी टारगेटेड ईयर है, आप किस साल पेपर देना चाहते हैं, तो आप लोगों को पता होगा 2024 में, 25 में, 26 में, तो जिसमें भी आप देना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैं यहाँ पर 2024 सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर आप लोगों को नेक्स्ट करना है, देखिए क्लियर फॉर्म नहीं करना है, यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करना है। तो इस तरह से मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, तब देखिए इस तरह से टेस्ट ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले आप लोगों को टेस्ट देना है, देखिए मैं रैंडमली कुछ क्वेश्चन लगा देता हूँ जल्दी 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 जल्दी, देखिए इस तरह से 8-10 लगा देता हूँ, जिससे मैं आप लोगों के लिए रिजल्ट दिखा पाऊँगा, PDF इस तरह से डाउनलोड होगी वो आप लोगों को समझ में। तो इस तरह से मैंने मानते हैं कि 100 क्वेश्चन मैंने दे दिए, तो इस तरह से स्क्रॉल करते जाएंगे, सबसे नीचे आप लोगों के लिए देखिए इस तरह से ऑप्शन दिखेंगे। एक देखिए यहाँ पर बैक का ऑप्शन, सबमिट का ऑप्शन, और इधर देखिए क्रियल जो क्लियर फॉर्म का। तो क्लियर फॉर्म से तो मतलब है नहीं, यहाँ पर आप लोगों को जब आपका टेस्ट पेपर कंप्लीट हो जाए और 2 घंटे से पहले ही आप लोगों को सबमिट जरूर कर देना है, क्योंकि 2 घंटे जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद सबमिट नहीं होता है तो आप लोगों का रिजल्ट नहीं आ पाएगा। तो इस वजह से आपको क्या करना है, उससे पहले ही ये सबमिट कर देना है। देखिए मैं उससे पहले ही 1 मिनट या 2 मिनट या फिर 30 मिनट पहले आप लोग कितने भी टाइम, आपका जैसे 1.5 घंटे में पेपर हो जाते हैं, तो आप लोग पेपर करने के बाद सबमिट पे जरूर क्लिक करें। देखिए मैं जैसे ही सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मुझे ऑप्शन दिखता है व्यू स्कोर। तो देखिए इस तरह से मैं व्यू स्कोर पे क्लिक करूँगा, जैसे ही मैं व्यू स्कोर पे क्लिक करूँगा तो देखिए मुझे इस तरह से मेरा स्कोर दिख जाएगा। देखिए इस तरह से मेरा स्कोर दिख जाएगा और मैंने कितने क्वेश्चन देखे यहाँ पर आप लोगों के लिए, टोटल पॉइंट मुझे 12 मिले हैं। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि नीचे देखिए यहाँ पर 12 पॉइंट किस किस में मिले हैं, कौन कौन सा मेरा गलत हुआ है। यहाँ पर जो मैंने टिक नहीं किए हैं वो रेड कलर से दिखाता है और जो गलत होता है वो भी रेड कलर से दिखाता है, लेकिन जो मेरा सही हुआ होगा वो यहाँ पर ग्रीन कलर से दिखाई गया। जैसे देखिए ग्रीन कलर का इसमें मुझे 2 पॉइंट मिले हुए हैं, जैसे ऊपर वाला मेरा मैंने टिक किया था लेकिन गलत हो गया, इसका डी सही है। डी क्यों सही है, तो नीचे इसमें एक्सप्लेनेशन भी दिया रखा होता है, जिसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया रखा है उसका मतलब है इस क्वेश्चन का आंसर कहीं ना कहीं ऊपर वाले किसी क्वेश्चन के डिस्क्रिप्शन में बताया गया होगा पहले ही से फीडबैक के रूप में, तो उस वजह से बार बार उसकी पुनरावृत्ति ना हो इस वजह से उसको छोड़ दिया जाता है। तो देख सकते हैं इस तरह से आप लोग नीचे फीडबैक भी पढ़ सकते हैं, जैसे इसका डी क्यों सही है, तो इस तरह से आप लोग पूरा आपको दिखेगा। और हाँ एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना बहुत इंपॉर्टेंट भूल गया, देखिए अभी मैं आपको बताऊंगा PDF कैसे बनानी है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले जैसे आप लोग इस टेस्ट पेपर को, जैसे देखिए मैं पहले PDF बनाना दिखाता हूँ फिर आपको बताता हूँ कि आप इसे इंग्लिश में भी कैसे दे सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर देखिए आप लोग जैसे 3 डॉट पे ऊपर क्लिक करेंगे, 3 डॉट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर प्रिंटर का ऑप्शन या फिर PDF या फिर शेयर का ऐसे कुछ ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करने के बाद आप PDF बना सकते हैं। देखिए जैसे मेरे में ऑप्शन नहीं आ रहा प्रिंटर का या फिर PDF मेकर का, किसी का ऑप्शन नहीं आ रहा, तो मैं क्या कर सकता हूँ ओपन इन क्रोम करूँगा, हर कोई क्रोम चलाता है। क्रोम पर जाने के बाद देखिए इस तरह से आपकी पूरा जो आप
आपका रिजल्ट है वो ओपन हो जाएगा। तो देखिए ऊपर थ्री डॉट है ना, देखिए थ्री डॉट आप लोगों को यहाँ पर दिख रहे हैं, तो थ्री डॉट पे आपको क्लिक करना है। देखिए इस तरह से तो ऑप्शन खुलते हैं। नीचे देखिए शेयर का ऑप्शन है, देखिए ये देखिए शेयर का ऑप्शन दिख रहा है आप लोगों के लिए, शेयर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आपको कहीं ना कहीं पर आपको प्रिंटर का ऑप्शन दिखेगा आप लोगों के मोबाइलों में, ओके। तो इस तरह से प्रिंटर पर आप लोगों को क्लिक करना है, और प्रिंटर पर जैसे आप क्लिक करेंगे पूरी पीडीएफ इस तरह से देखिए ओपन हो जाएगी। मैं देखिए एक दिखा देता हूँ, देखिए इस तरह से पूरी पीडीएफ ओपन हो जाएगी। फिर आप लोग यहाँ पर देखिए सेव का ऑप्शन आता है या फिर पीडीएफ का ऑप्शन आता है, इस तरह से क्लिक करके आप इसको सेव भी कर सकते हैं। देखिए इस तरह से इसको सेव भी जिस भी लोकेशन पे आप सेव करना चाहते हैं, जैसे मैं इस लोकेशन पर फॉर एग्जाम्पल के लिए सेव करना चाहता हूँ, मेरी पीडीएफ सेव हो गई। अब मैं अपने फाइल मैनेजर में जा करके खोज सकता हूँ, जैसे मुझे अभी नहीं दिखाना है इसके लिए अभी, तो मैं लौट करके आता हूँ, मुझे एक चीज़ और दिखानी थी। तो चलिए मैं एक और चीज़ आप लोगों को दिखा देता हूँ। जैसे देखिए इस फॉर्म को आप लोग मतलब इस टेस्ट पेपर को इंग्लिश में या किसी अन्य लैंग्वेज में भी आप लोग दे सकते हैं। मैं यहाँ पर जैसे कुछ चीज़ें डाल देता हूँ जिससे ये फॉर्म ओपन हो जाए, क्योंकि ये मैंडेटरी है। अब देखिए जैसे ही मैं आगे गया, अब ये क्वेश्चन हिंदी में, मैं इस क्वेश्चन को इंग्लिश में भी पढ़ सकता हूँ, गूगल ट्रांसलेटर होता है। देखिए जैसे आप लोग थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे, ऊपर देखिए थ्री डॉट दिख रहा होगा, थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे, ट्रांसलेट वाले पे क्लिक करेंगे, अब देखिए क्या हो गया, इंग्लिश में हो गया। कितना इजी है, आपको हिंदी में चाहिए तो देखिए डिटेक्ट लैंग्वेज है इस पर क्लिक कर दीजिए, फिर से आपको इंग्लिश में चाहिए तो देखिए यहाँ पर फिर से इंग्लिश में कर दीजिए। कितना सिंपल है, देखिए सारे क्वेश्चन चेंज हो जाते हैं। देखिए जैसे ये वाला क्वेश्चन है, देखिए जैसे अभी ये किस में है आप लोगों को इंग्लिश में देखने को मिलेगा, मैं अभी हिंदी में कर लिया, फिर से मुझे इंग्लिश में करना है, मैं इंग्लिश में कर लूँगा। नीचे देखिए इंग्लिश या फिर डिटेक्ट लैंग्वेज, यहाँ पर दो ऑप्शन दिख रहे हैं ना, तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं इसको तुरंत के तुरंत चेंज कर। और ऐसा भी नहीं है जैसे इसमें आपने ऑप्शन लगा दिया, अब आप लैंग्वेज चेंज करेंगे तो आपके ऊपर वाले ऑप्शन हट जाएंगे, नहीं हटेंगे, ऑप्शन वही रहेंगे, चाहे आप 10 बार करिए चाहे 50 बार करिए, बस आपको बैक नहीं आना है, ओके। और टेस्ट देने के बाद आपको सबमिट जरूर करना है। देखिए जैसे नीचे आएंगे तो सबमिट आप लोगों को जरूर करना है, ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है। और आप लोग रिजल्ट में भी सेम कर सकते हैं, देखिए जैसे मैं यहाँ पर सबमिट बटन पे क्लिक किया और व्यू स्कोर पे क्लिक किया, तो जैसे देखिए अभी ये हिंदी में आ रहा है, तो मैं इसको भी क्या चेंज कर सकता हूँ, इसको भी मैं कर सकता हूँ सेम इंग्लिश में, तो ट्रांसलेट पे क्लिक करूँगा तो देखिए ये इंग्लिश में इस तरह से हो जाएगा, ओके। लेकिन ये टेस्ट पेपर हिंदी में बनाया गया है तो आप लोग हिंदी में ही डाउनलोड करिएगा, ओके, क्योंकि इंग्लिश में कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत त्रुटि या फिर फॉर्मेट का मैटर हो सकता है, इसलिए हिंदी में डाउनलोड करिए, हिंदी में ही हमने टाइप कराए हैं, लेकिन यहाँ पर इंग्लिश में भी ये हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी इंग्लिश की अब रहती है क्योंकि बहुत ज़्यादा हमारा एआई डेवलप हो चुका है, तो इस वजह से, ओके। तो गूगल वूगल ने काफ़ी अच्छा काम किया है, तो इस तरह से आप लोग इंग्लिश में भी पूरा डिस्क्रिप्शन सब कुछ इंग्लिश में फॉर्मेट के साथ में आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं। चलिए इस वीडियो को मैं यहाँ पर ही फिनिश करता हूँ, जो लोग ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है, इंग्लिश में भी क्वेश्चन मिल जाएंगे लेकिन उस तरह से थोड़ी बहुत त्रुटियाँ रहा करेंगे। तो हिंदी मीडियम वालों के लिए ही हम ये ग्रुप लॉन्च किए हैं, टोटल हिंदी मीडियम वालों के लिए है, लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले भी अपना काम चला सकते हैं अगर चाहें तो, लेकिन हम इंग्लिश मीडियम वालों को रिकमेंड नहीं करते हैं, अभी बाद में आप लोगों के लिए हो सकता है लॉन्च करें अलग से टेस्ट सीरीज, ओके। चलिए इस वीडियो को यहाँ पर फिनिश करते हैं।